नित्यानंद राय जी के जो पर्सनल प्रवक्ता के रूप में पार्टी के अध्यक्ष है, संजय जायसवाल जी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने के लिए गुहार कर, जिस दिन राजद सरकार बनाने की जरी सी हल्की सी खाली हाँ भर देगी तो पूरी भाजपा सष्टांग होकर करके तेजस्वी जी की ड्योढ़ी पर नतमस्तक दिखाई। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है ना कि हमने कभी दंगाइयों के सामने घुटना नहीं टेका है। पोलिटिकल बैंडेटा के तहत कई आत्माएं हमने से भाजपा से समझौता की तो बात दूर, उसकी आइडियोलॉजी को भी हम पसंद नहीं। तेजस्वी जी के बारे में आप हवाई जहाज का यात्रा को कोट कर रहे हो। मैं चुनौती देता हूं कि आप नित्यानंद राय जी आकर के सामने बताएं। मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज दिल्ली में बड़ा खुलासा किया और तेजस्वी यादव पर बड़े ही गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जब मंत्री नहीं बने थे नित्यानंद राय तो वो हमसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि वो आरजेडी में आ जाएंगे। इन सब के बीच संजय जायसवाल का कहना है कि तेजस्वी यादव और नित्यानंद राय के बीच फ्लाइट में बातचीत हुई थी और उस बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा था कि हम पर और हमारे परिवार पर लगे आरोपों को खत्म करवा दीजिए, हम हर तरीके से मदद करेंगे। खूब बयानबाजी शुरू हो गई। इन सब के बीच आरजेडी की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी के प्रवक्ता व पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। कहा है कि सामने आए नित्यानंद राय और बताएं कि आखिरकार कब ये बात हुई थी, साथ ही फ्लाइट की टिकट बताएं, किस डेट में, किस फ्लाइट में और क्या सीट थी। दोनों की जो बीत बातचीत को लेकर जो दावा संजय जायसवाल कर रहे हैं इसको लेकर, साथ ही यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव की है करिश्माई है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार में विधायकों की हैसियत से तीसरे नंबर की पार्टी के आगे घुटना टेकी है। सुनवाते हैं पहले शक्ति सिंह यादव क्या कुछ करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा नित्यानंद राय जी जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे ये कहने आए थे कि अब हमको ये कांग्रेस पार्टी में मन नहीं लग रहा है, राजद में ले लीजिए। इस बयान के बाद पूरी भाजपा ही हिल गई। नित्यानंद राय जी के जो पर्सनल प्रवक्ता के रूप में पार्टी के अध्यक्ष है संजय जायसवाल जी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने के लिए गुहार कर रही थी। अरे जिस दिन राजद सरकार बनाने की जरी सी हल्की सी खाली हाँ भर देगी तो पूरी भाजपा सष्टांग होकर करके तेजस्वी जी की ड्योढ़ी पर नतमस्तक दिखाई पड़ेगी। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है ना कि हमने कभी दंगाइयों के सामने घुटना नहीं टेका है। पोलिटिकल बैंडेटा के तहत कई आत्माएं हमने सही, हमारे नेता ने सहा, लेकिन भाजपा से समझौता की तो बात दूर, उसकी आइडियोलॉजी को भी हम पसंद नहीं करते। और नेता प्रतिपक्ष का ही करिश्मा ही नेतृत्व का नतीजा है कि विश्व की बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी तीन नंबर की पार्टी के सामने घुटना टेक रही है, उसकी जूती उठा रही है। और तेजस्वी जी के बारे में आप हवाई जहाज का यात्रा को कोट कर रहे हो। मैं चुनौती देता हूं कि आप नित्यानंद राय जी आकर के सामने बताएं कि कहां पर तेजस्वी जी से मुलाकात हुई थी सरकार बनाने की, और मैं बताता हूं कि आपसे मुलाकात कब और कहां हुई थी। जिस हवाई जहाज की चर्चा कर रहे हैं टिकट नंबर आप सेंड करिए, तिथि बताइए, उस डेट में नेता प्रतिपक्ष हवाई यात्रा में है कि नहीं है, उनके सीट कहाँ है, आपके सीट कहाँ है। यह भी हम एक एक चीज को जानते हैं। ये दंगाई पार्टियों को, पूरी दंगाई पार्टी हिल चुकी है और हमें बता रहे हैं। अरे सत्ता के लिए तो आप सब कुछ आइडियोलॉजी को तिलांजलि दे रहे हो, सिद्धांत को आप तिलांजलि दे रहे हो। ये सत्ता का ही नशा आप पर इस कदर छाया हुआ है कि ना आपको महंगाई बुझाती है, न लाचारी, न बेबसी, न बेरोजगारी बुझाती है। अब तो अग्निवीर पर भी आप जाति पूछने लगे हो, जिस अग्नि पथ योजना का पूरे देश की युवाओं ने प्रतिकार किया, मानने से इनकार किया, लेकिन सत्ता की मातांद में आपने जबरन देश पर थोपा। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को सुन रहे थे। आरजेडी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, बीजेपी को बड़ी चुनौती शक्ति सिंह यादव ने दी है और पूछा है और कहा है कि आइए नित्यानंद राय सामने और बताइए सब कुछ। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।